स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईद उज़ा मना रही हूँ। सबसे पहले ईद उज़ा मना रही होगी बहुत धूमधाम से। अब ज़रा पढ़ने की तरफ दिल लगाइए। आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल हमारे के तमाम स्कूल बंद हो चुके हैं या फिर ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, और ऑनलाइन क्लास का जो भी वर्क आपके पास जा रहा है वो आप टाइम पर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। तो आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 1 है और क्लास है कि लेक्चर नंबर 1 में हम जैसे कि हम पहला लेसन पढ़ चुके हैं, हम दूसरा लेसन देखेंगे। कौन सा दिन है दूसरा लेसन? उम्मीद की खुशी। उम्मीद की खुशी हमारे जो सरसैद अहमद खान सियासी रहनुमा और ये हमारे बहुत अच्छे राइटर लिखे हैं, उन्होंने लिखा है और बहुत सारे मजमून बहुत खूबसूरत लिखे हैं उसमें। उम्मीद की खुशी लिखी है। उम्मीद का मतलब आस, उम्मीद का मतलब उदासी, उदास ना होना। उम्मीद मतलब है हर गम के बाद खुशी आना। ना उम्मीद नहीं कहे इसी यही बात हमें सरसैद अहमद खान ने अपने सबक में बताई है कि हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद ही है जो हमारे मुस्तकबिल को रोशन करती है। तो हम उम्मीद का लेसन इंशाल्लाह करना पड़ेंगे। पहले हम देखते हैं सरसैद अहमद खान के बारे में हमें जो लिखना है। उनके हालात ज़िंदगी टाइटल पेज बनाइएगा, हालात ज़िंदगी लिखिएगा और उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको उसका मतलब देखिए ज़रा कितना लिखना है आपको हालात ज़िंदगी। सफ़र नंबर 18 पर देखिए सरसैद अहमद खान जिन्होंने उम्मीद की खुशी सबक लिखा है उनके हालात ज़िंदगी है। आपको पता है हालात ज़िंदगी हम सबसे पहले लिखते हैं अपने जैसे कि सबक नंबर 1 में टाइटल पेज बनाया है इस सबक का। तो सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? टाइटल पेज। जैसा कि आपने सबक नंबर 1 में बनाया है मुसन्निफ़ सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, उनकी विलादत, वफ़ात, खिताब, माखूज़, ठीक है, पूरा भी बनाएंगे। और जब उसी के नीचे फिर आपके पास जगह होगी तो सरसैद अहमद खान के हालात ज़िंदगी लिखेंगे। कितने लिखना है मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ज़रा। सरसैद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। मैं उतना पढ़ रही हूँ जितना आपको लिखना है, सही। दोबारा देख लीजिए, सरसैद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। अब उसके बाद नीचे वाले पेज पर आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार से दो अखबार से किया। मुसलमान के अखलाक की इस्लाह के लिए एक रिसाला तेज़ुल अखलाक निकाला, नज़्म और बल्कि पूरा लिख लीजिए। नज़्म मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो तरक्की पाकर एक अज़ीमुल शान यूनिवर्सिटी बन गया। नीचे वाले पैराग्राफ, सर सैद एक बुलंद पाया नसर निगार अखबार नवेद आलम थे। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फर ने आपको जवादुद्दौला आरिफ़ जंग के खिताब दिए। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा और इनके खिताबात और जो आगे है वो रहने दीजिएगा क्योंकि वो मैं आपको टाइटल पेज में लिखवाती हूँ, सही है ना। तो आप यहाँ से लेकर निशान लगा रही हूँ, देखिए रेड से यहाँ से लेकर और बल्कि यहाँ से अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का खिताब दिया, सही। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा, ऊपर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बन गया, यहाँ तक लिखिए। ये आप टाइटल पेज, आपका टाइटल पेज के बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। यही आपकी वर्किंग है, इसको रेडी करके रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आगे बताऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।